नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। रेलवे एग्जाम के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, इसका पार्ट 7 आज हम डिस्कस करेंगे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के आए हुए 1000%, उनके पार्ट 6 तक हमने 300 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए। तो आप 301 से आज हम 350 तक डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिस सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर था वो कौन सा था? लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है, किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? देखिए, सितार और तबले का, सितार वादक और तबला वादक है अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या तिब्बत का पठार कह सकते हैं, सबसे ऊंचा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग है ये 1 जनवरी 1950 को बना था। अब इसकी जगह क्या गया है? प्लानिंग कमीशन आ गया है योजना आयोग की जगह। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में है वो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय था मिहिर सेन। एक असो शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक असो शक्ति है 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों में गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदें गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। क्या है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा है वो नायलोन है। कौन सा है? नायलोन। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो आपको पता ही है सूर्य में सर्वाधिक है वो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 ईयर के बाद दिखाई देता है? तो ये हेली पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, हेली पुच्छल। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लेता है? 500 सेकंड लेता है। कितना लेता है? 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु प्रशिक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में, 14 मई 1974 को भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम टच कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम नहीं टच कर सकते। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार के लिए रेडोन गैस है वो उत्कृष्ट गैस होती है, रेडोन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में है वो थोरियम पाया जाता है। थोरियम ज़्यादातर राजस्थान में होता है। भारत की बात करें तो शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। कौन सी है? थायराइड है वो सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो विशालतम स्तनधारी की बात करें तो व्हेल मछली है। कौन सी है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज है वो लैंडस्टेनर ने। किसने की थी? लैंडस्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐसा कौन सा होता है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐसा होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक। कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। अगला है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो डायनोमो के द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, डायनोमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो अस्थायी होती है वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो लाइट जाने के बाद ये क्या डाटा उड़ा देगी, और यदि रोम होता तो रीड ओनली मेमोरी, वो स्थायी होती है, ये अस्थायी है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा हम भूकंप की तेज़ी मापते हैं, भूकंप कितनी तेज़ी से आया। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक है वो एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को शांत का तारा कहते हैं? तो जो चमकीला था शुक्र ग्रह, उसी को शांत का तारा कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली स्तर, जो सबसे निचली स्तर को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली स्तर है उसको अक्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षोभ मंडल। आगे देखिए,
पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम के द्वारा बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ हैं वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधे द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम है वो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय वो मुंबई में है। RBI की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को बना था RBI। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी है वो खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी का दर्जा दिया गया इनको। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग है? तो काली मिट्टी है वो कपास के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो ये जो नादिर शाह था वो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती में लगभग 71% है। तल में कितना परसेंट है? 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक है वो किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। आगे देखिए, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसे किसे गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसमें इथाइल मरकैप्टन होता है, इथाइल मरकैप्टन वो मिला दिया जाता है, जिससे जैसे लीक होता है तो उसे दुर्गंध आने लग जाती है और पता चल जाता है हमारे को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, ठीक है, 78% 78% लगभग क्या है? नाइट्रोजन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। और उड़ीसा का जो CM है वो कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक उड़ीसा का CM है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन, तो पार्ट 7 था। जिन दोस्तों ने अभी तक पार्ट 1 2 3 4 6 तक नहीं, 5 6 तक नहीं देखे तो सबसे पहले तो वो देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके भी दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सारी की सारी PDF फाइल और टेस्ट सीरीज मैं वहीं अपलोड करता हूं। और www.targetwithgoswami.com वेबसाइट पे भी आप विजिट करें, वहां पे भी हर प्रकार के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। देखिए, वीडियोस तो आपको मिलते ही रहेंगे रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी, हर एग्ज़ाम के SSC है चाहे UPSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको PDF की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैंने वेबसाइट जो तैयार की है वो बता देता हूँ। इसमें इंग्लिश के नोट्स और बुक्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, GK, करंट अफेयर और जो भी नई वैकेंसी आएंगी, नोटिफिकेशन और वीडियोज़ भी इस पर सारे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, हैंड रिटन होते हैं मेरे द्वारा लिखे, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप बुक्स परचेज नहीं कर सकते, जो स्टूडेंट्स मतलब बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते तो वो यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली लोगों के पास जो भी YouTube यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन तो है, तो मतलब आप जो भी आपको PDF की ज़रूरत हो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और उसके मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ PDF प्रोवाइड करा दूंगा सभी बुक्स की जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आप इस वेबसाइट पर ज़रूर फॉलो करिए, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। सारे के सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे आप में, और जैसे इंग्लिश के लिए मैंने बुक इस पर अपलोड कर दी है, और आधुनिक भारत का इतिहास है, ये हैंड रिटन मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपके RO AR O जो एग्ज़ाम है UP पुलिस है उसके लिए, और DIAS का ये मैंने साप्ताहिक करंट अफेयर अपलोड किया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अपलोड कर दिया है, करंट अफेयर है वो सितंबर से मार्च तक का अपलोड कर दिया है,
और रीजनिंग की भी जो आर एस अग्रवाल है, और भी बहुत सारे आप देखोगे तो 20 से 30 बुक्स मैंने इस पर अपलोड कर दी हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाना ना भूलें, www.targetwithgoswami.com www.targetwithgoswami.com, और आप यहाँ मेल के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और बस इतना ही बताना था आपको, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तो सभी का बेनिफिट हो सके, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, इसी के उद्देश्य से बनाई गई है। कोई भी इस पर आपका एक्सपेंस नहीं होगा, बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।